हेलो बॉयज, माय नेम इज सफीउल्लाह और आप देख रहे हैं किंग एफएक्स सीमा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है फुल एडवांस किस्म के। इंशाल्लाह जिस दिन ये कोर्स का एंड होगा उस दिन आप लोग प्रो ट्रेडर बन चुके होंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का जरूर दबा लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी आती रहे इस कोर्स के रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज फोरेक्स और फोरेक्स के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिक से शुरू करना है। आप लोगों को मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा और लोगों की तरह बिल्कुल भी इसको लंबा लंबा नहीं करूंगा, बहुत आसान अल्फाज में सुनाऊंगा। व्हाट इज फोरेक्स? बेसिकली फोरेक्स क्या है? फोरेक्स ये है कि जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर फोरेक्स कहते हैं। फोरेक्स की फुल मीनिंग है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। तो आप लोगों को यहां तक बात जरूर क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान लफ्जों में फोरेक्स है बेसिकली एक स्टॉक एक्सचेंज है। हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टॉक्स लेते हैं, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में हमारा पाकिस्तान में बैठे अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, पहले हम इस बात को क्लियर कर लें कि ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ मिल जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड क्रिप्टो के बिटकॉइन का पेयर भी हमें मिल जाते हैं, इथेरियम के पेयर्स मिल जाते हैं, इनके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं। जब हमारी ट्रेडिंग हो रही है इनके ऊपर, उसके बाद हम लोग ब्रोकर के ऊपर अकाउंट करते हैं। बेसिकली ब्रोकर क्या है? ब्रोकर वो चीज है जो हमें कमोडिटीज प्रोवाइड करता है, जो हमें पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का एक्सेस प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान में बैठ के हमें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर विड्रॉ एंड डिपॉजिट्स देता है, इसको हम ब्रोकर कहते हैं। इसलिए हम ब्रोकर यूज करते हैं इस चीज़ के लिए। ब्रोकर के ऊपर हम अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह दे के, जैसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना होता है तो सब डिटेल्स देनी होती है, इसी तरह उधर भी पाकिस्तान की अपनी जो आई डी कार्ड वगैरह इन सब की डिटेल्स दे के आपका एक ब्रोकर पे अकाउंट बन जाता है। जब आपका एक ब्रोकर पे अकाउंट बन जाता है तो हम ट्रेडिंग के लिए जो दो मोस्ट मशहूर ऐप हैं, ठीक है, एक है मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5, इन दोनों के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ब्रोकर पे अकाउंट बना लेते हैं तो ब्रोकर हमें एक आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है। आईडी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड आपका वही होता है जो आप रखते हैं। वो आईडी आप जाके मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर या 4 के ऊपर लॉग इन करते हैं तो आपके सामने चार्ट्स, कमोडिटीज और जो जितना आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ होता है वो आपको वहां पे शो हो जाता है और आप वहां से अपने आप की ट्रेड ले सकते हैं। जो जैसे कि आपको पता होगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। तो इसलिए यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, आज बेसिक हम क्लियर करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास आ गया है गोल्ड, गोल्ड के अंदर हमें जैसे कि लग रहा है, एक और चीज आप लोगों को बताऊं, ठीक है, आप लोग कहते होंगे सिर्फ स्टॉक्स जो है वो बाय हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स बाय एंड सेल दोनों हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर स्टॉक्स बाय भी होते हैं और सेल भी होते हैं फॉरेक्स में। अगर जैसे कि समझ लें इस पॉइंट के ऊपर गोल्ड है, ठीक है, यहां से हमने ले ली है बाय की ट्रेड, और अगर इस पॉइंट से गोल्ड हमारी बाय की ट्रेड से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और यहां से अगर हमने बाय ली है यहां से नीचे आएगा तो हमें लॉस होगा, और इसी तरह यहां से अगर हमने सेल की ट्रेड ली है तो इस पॉइंट से ऐसे ही ट्रेड लग जाएगी आपकी। इस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा और इस पॉइंट से ऊपर जाएगी तो लॉस होगा। और बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हम ट्रेड को बंद कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि जैसे कि आपने समझ लिया यहाँ पे आपने ट्रेड लगा ली, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ गया, आप लॉस में जाते लग गए, आपने यहाँ से बाई की ट्रेड लगा ली है, आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, ट्रेड नीचे आने लग गई आपके ऑपोजिट पॉइंट, ये जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जब तक वो ट्रेड चलेगी जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाता, आपका अकाउंट वॉश नहीं हो जाता, आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता। इसके लिए हम यूज करते हैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। जैसे कि
यहां पे आपने ट्रेड लगाई बाय की, ठीक है, यहां इतनी इतने पॉइंट पे आपका आ गया स्टॉप लॉस, इतने पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हो गया और यहां पे आपका आ गया टेक स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आपकी ट्रेड चल रही है ओपोजिट डायरेक्शन में, आपने कहा जी मैं यहां तक लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, यहां से नीचे नहीं बर्दाश्त कर सकता, यहां तक आपने अपना लॉस बर्दाश्त किया, ट्रेड ऑटोमेटिकली आपकी लॉस में क्लोज होगी और साइड हो जाएगा, इस तरह आपका बैलेंस जो है वो बच जाएगा। इसी तरह टेक प्रॉफिट ये होता है कि यहां से अगर ऊपर जा रही है तो आप चाहते हैं यहां तक मार्केट आए, मेरा यहां तक प्रॉफिट हो तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाए, मैं जहां मर्जी बेची हूं, तो यहां तक मार्केट आएगी तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। वो हम कहते हैं ना स्टॉप लॉस इज एन ऑर्डर दैट प्रोटेक्ट यू इफ यू आर रॉन्ग, तो ये स्टॉप लॉस का आ गया। उसके बाद कुछ एनालिसिस के लिए हम कुछ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि डेली एफएक्स हो गया, ट्रेडिंग व्यू हो गया, फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, investing.com हो गया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग के अंदर सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट साइकोलॉजी, उसके अलावा मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड कहाँ से ट्रेड लेनी है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करूँगा और आपकी साइकोलॉजी बनवाऊँगा, और ये इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ मेरे इस कोर्स के बाद जो आपने यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप लोग कभी मार्केट में मार नहीं खाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो बड़ी ना हो, बड़ी भी हुई तो देख लेना, इसी तरह हर दो दिन बाद या एक दिन बाद न्यू वीडियो आती रहेगी और आपका कोर्स इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और आप लोग ट्रेडिंग सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।